हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने शिमला रोड ट्रिप का वीडियो डाला था। तो गाइस, हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग के 7 बजे, हम निकल गए थे घर से शिमला के लिए, और 9:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। क्योंकि गाइस, मॉर्निंग में क्या होता है, ट्रैफिक भी नहीं होता है, और जो ये पहाड़ी एरिया होता है यहाँ पर फॉग भी नहीं होती ज़्यादा, तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तो गाइस, मेरे हस्बैंड को, मेरे कज़न ब्रदर का कोई यहाँ पे कुछ ऑफिशियली काम था हाई कोर्ट में, तो वो लोग हाई कोर्ट चले गए थे, और मासी और मैं, हम यहीं पे नीचे जो NH वाली रोड है हम वहाँ पे उतर गए थे। तो गाइस, शिमला का क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे पैदल ही जाना होता है। माल रोड है यहाँ पे, कोई भी मार्केट वाली है रोड है वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती है। तो गाइज़, यहाँ से क्या करना होता है, अगर हम जैसे NH पे उतरते हैं तो वहाँ से हमें लिफ्ट करनी होगी। तो यहाँ पे लिफ्ट का एक साधन बहुत अच्छा लगा गाइज़ मुझे। तो यहाँ से जो हम लिफ्ट करेंगे, 10 रुपये पर मेंबर की टिकट है, बच्चों की कोई टिकट नहीं है। जो ये येलो वाली है, ये नीचे रोड पर जाते हैं, ये वाली लिफ्ट है। तो पहली लिफ्ट यहाँ पर ख़त्म होके आपको ऐसे राउंड राउंड करके आना है, तो फिर आप सेकेंड वाली लिफ्ट में बैठोगे और फिर आपको माल रोड वो पहुँचा देती है। तो 10 रुपये यहाँ पे एक टिकट लगता है एक मेंबर का, और आपको 10 रुपये में ये नीचे से ऊपर तक माल रोड पहुँचा देती है। तो गाइज़, यहाँ पर हम माल रोड पहुँच चुके थे। तो गाइज़, माल रोड का मैं आपको बाद में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, पहले हम लोग जाएंगे रिज पर। तो गाइज़, रिज यहाँ पर शिमला का बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि आपने कई लोगों का फ़ोटो वगैरह देखी होगी, जो भी शिमला जाते हैं तो रिज पे जो चर्च है वहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह किया जाता है, तो वो सेल्फी पॉइंट बन गया है किस्म से। तो पहले मैं आपको वहीं लेके चलूँगी, उसके बाद जितने भी यहाँ पे शॉपिंग वाली मार्केट है, क्योंकि मैं आई हूँ तो शॉपिंग तो करके ही जाऊँगी। तो गाइज़, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे रिज पर। तो गाइज़, यहाँ पर इतनी कड़कती हुई अच्छी धूप लगी हुई है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम, आई थिंक 9:45 बजे का यहाँ पे टाइम था, क्योंकि 15 मिनट तो हमें लग ही गए थे चलते चलते यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे अभी 10 बजे का टाइम, और इतनी तेज़ गाइज़ यहाँ पे धूप लगी हुई थी, बिल्कुल चुभती हुई धूप लग रही थी। और वो सामने चर्च है गाइज़, वो मैं आपको बाद में लेके जाऊँगी। चर्च के सामने है लाइब्रेरी, और गाइज़ जो लाइब्रेरी के सामने है उसको बोलते हैं हवा घर, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी हवा होती है, और यहाँ पे कोई भी सिंगर वगैरह आता है, कोई लाइव शो होता है, तो वहीं पे खड़े होके वो लाइव शो करता है। तो बहुत ही सुंदर जगह है गाइज यहाँ पर, तो यहाँ पे खड़े होके लाइव शो होता है। तो गाइज, चर्च में मैं आपको बाद में लेके चलती हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पर रिज का दिखा देती हूँ। और गाइज, जो जितना बड़ा भी ये रिज है, तो गाइज कहा जाता है कि इसके नीचे बहुत बड़ा वाटर टैंक है, जिससे पूरा शिमला में पानी सप्लाई होता है, और कभी भी यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है। तो बहुत बड़ा ये रिज है गाइज, तो आप समझ सकते हो इसके नीचे कितना बड़ा वाटर टैंक होगा। तो गाइज, ये रिज के बैक साइड वाला एरिया है, तो इतना सुंदर गाइज यहाँ का व्यू लग रहा था, और सामने वाले जो पहाड़ है उसमें स्नोफॉल हुआ हुआ था। और गाइज, यहाँ पर बहुत सारे जो शिमला का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ज्वेलरी है, उसमें कई जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आए थे वो फोटो वगैरह यहाँ पे शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे जगह जगह पर अपने बॉक्स लेके बैठे हुए थे, जिसमें ड्रेसेस वगैरह रखी हुई थी, ज्वेलरी रखी हुई थी, तो सब लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल जो ड्रेस है यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो गाइस, अभी आप लोग शिमला आने की सोच रहे हो तो अभी बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम है आने का, ज़्यादा अभी यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, क्राउड ज़्यादा नहीं है, और अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप इतनी ज़्यादा अच्छी लगी हुई है गाइस। जितना प्लेन एरिया में जहाँ पर हम लोग बद्दी में रहते हैं, तो वहाँ तो 12 बजे तक कोई धूप नहीं निकलती, इतनी ज़्यादा फॉग रहती है, और यहाँ पर तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। और गाइस, ये है यहाँ पर आशियाना होटल, और इसके सामने है ये गेटी थिएटर। गाइज, मुझे अभी इस यहाँ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर गाइज लोग आए थे वो टूरिस्ट थे, और मैं किसी से भी यहाँ पे पूछना, मैं किसी किससे पूछती, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ही मुझे टूरिस्ट ही लग रहे थे। तो जहाँ तक मैंने देखा तो ये गाइज गेटी थिएटर है, उससे पहले वाला आशियाना होटल है। और गाइस, ये है टाउन हॉल, मतलब ये गाइस जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, तो वो है ये। और गाइस, ये रात को इतना सुंदर लगता है, क्योंकि जब रात को यहाँ पे लाइटिंग होती है तो बहुत सुंदर लगता है, रिच बहुत सुंदर लगता है,
बट गाइज हमें रात तक नहीं रुकना था क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूम फिर के शॉपिंग करके फिर हमें वापस जाना है। तो बस मैं यहाँ पर अभी का आपको वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ हमारा अभी आने का ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं हम लोग चलते क्योंकि मैं कभी शिमला आई नहीं हूँ, मेरा ये लाइफ का सेकंड टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे लगा मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। तो गाइज़ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बीच का, ये है, इसको स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं। तो गाइज़ इसको स्कैंडल पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पटियाला के राजा ने एक ब्रिटिश लेडीज़ थी उसको यहाँ पर छेड़ दिया था, तो स्कैंडल हो गया था जिससे इसका नाम यहाँ पर स्कैंडल पॉइंट पड़ गया था। तो गाइज़ इस स्कैंडल पॉइंट से जो ये फ्रंट वाला है तो ये माल है और इसकी बैक साइड में यहाँ पे तिब्बती मार्केट जाती है, नीचे को रास्ता जाता है वो तिब्बती मार्केट है, तो वहाँ में हम लोग नहीं जा पाए थे। और गाइज मैं आपको यहाँ टाउन हॉल का दिखा रही हूँ, जो इसकी छत डली हुई है गाइज, इसको हम स्लेट पत्थर बोलते हैं, इसको स्लेट पत्थर बोलते हैं। और गाइज पूरा लकड़ी का बना हुआ, इतना ज्यादा ये सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे ये डीजे वाली लाइट वगैरह लगी हुई है। गाइज इतनी कड़कती हुई धूप थी, मेरी यहाँ पे आईज भी नहीं खुल रही थी, बहुत अच्छी यहाँ पे धूप लगी हुई है। तो गाइज यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है और मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी मार्केट भी है। और गाइज ये है यहाँ पर जो रिज की शान है, ये लहराता हुआ फ्लैग। तो गाइज़ यहाँ पर हम भी थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी, इतनी अच्छी अच्छी धूप में बैठने का दिल कर रहा था, तो हम लोग यहाँ बैठे थे, हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थी और यहाँ पे पार्थी और डोरा भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही है गाइज। तो गाइज यहाँ पे माल रोड है शॉपिंग के लिए, लोअर बाजार है, बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और लक्कड़ बाजार है। तो गाइज मैं लक्कड़ बाजार भी आपको लेके चलूँगी, लोअर बाजार भी आपको लेके चलूँगी, सारा कुछ आपको यहाँ का मैं दिखाऊँगी। आप लोगों को आना है तो आपको शॉपिंग के लिए कौन सी जगह यहाँ पे सही रहेगी तो गाइज़ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोग नहीं देखते हो, बोर हो जाते हो। तो गाइज़ अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे जो चर्च है, मैं वहाँ पर आपको लेके जाऊंगी। तो गाइज़ जो ये चर्च है गाइज़, ये 1857 का, इतना पुराना है और ये नॉर्थ इंडिया का सेकेंड नंबर पर सबसे पुराना चर्च है। तो गाइज़ मुझे लगा था कि चर्च ओपन होगा तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी, बट अभी कोविड के चक्कर में यहाँ पे अभी लॉक लगा हुआ था तो मैं नहीं दिखा पाई थी आपको। तो गाइज़ मैंने यहीं से जूम करके अंदर का व्यू थोड़ा सा ले लिया था। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।